होती है। बातें की थी। एक चीज जो कई लोगों ने पूछी भी और मैं समझता हूँ उसकी वजाहत होना जरूरी है, ये विल और ट्रस्ट एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, और किसी ने सवाल उठाया था कि ये पायलट ट्रस्ट क्या होता है। हाँ, ये जैसे कि हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ट्रस्ट के ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम ट्रस्ट के ऊपर बात करेंगे। पायलट ट्रस्ट जो है आप अपनी लाइफ टाइम में सेट करते हैं, अच्छा और वो आप बेसिकली विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और एनफ कैश, आप 10 पाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, और वो लेटर ऑन उसके अंदर आप और भी प्रॉपर्टी, कैश और शेयर्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अच्छा ड्यूरिंग लाइफ टाइम। उससे ये होता है कि आपका फुल कंट्रोल होता है कि कौन आप बेनिफिशरी बनाएंगे, कौन अच्छा उसका ट्रस्टी होगा। तो पायलट ट्रस्ट के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, ठीक तो ठीक ये आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे हम इसको मरीज एलिबोरेट करेंगे। इससे इसमें हम टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, जो लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए, मैं थोड़ा सा उन्हें ज़रा और इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और बात किसी ने पूछी थी कि मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम करके जा रहे थे तो किसी ने सवाल हमारे लिए छोड़ दिया था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के पास खासी बड़ी रकम है और उसके बच्चे छोटे हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास 1 मिलियन पाउंड है और मेरे बच्चे की उम्र जो है वो अभी वो टीन एज में है, ये छोटा है, तो मैं सारे वो, ज़ाहिर है मैं उसको तो नहीं दे सकता, उन पैसों को उसके मुस्तकबिल के लिए महफूज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रस्ट के हवाले से आम तौर पर एक क्वेश्चन होता है कि अगर बच्चा आपका जो है अंडर 18 है, और अगर आप उनको लाइफ टाइम में ही देना चाहते हैं पैसे या कैश या प्रॉपर्टीज उनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो इज़ नॉट एबल टू टेक इट लीगली, ठीक तो ठीक उसके लिए ट्रस्ट को अपनाया जाता है। तो ठीक उसके लिए डिस्कशन ट्रस्ट सेटअप किया जाता है। फर्ज़ कैश है, हाँ अगर 3 लाख पाउंड की मिसाल लेता हूँ कैश है, तो आप अपने बेटे के नाम पर रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें उसकी एज अभी 10 साल है, ठीक ठीक तो आप उसके नाम पर एक पायलट ट्रस्ट बना लें और कैश उसके उसमें रख दें, और कैश को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक आपके कंट्रोल में होगा। मेन मकसद ट्रस्ट का आपका कंट्रोल रहेगा उस कैश के ऊपर, ठीक ठीक और फिर आपको उसकी प्रोटेक्शन भी है। अच्छा ज़ाहिर है बच्चा खुद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, वो बेनिफिशरी होगा, ठीक ठीक और आप चूँकि ट्रस्ट डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट है, तो ठीक लिहाजा डिस्क्रेशन है आपकी। मतलब 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको आप कितना, किसको फ्यूचर में जा के इनकम देना चाहते हैं, उसमें से किसको कितना कैपिटल देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, तो हर सूरत हाल में वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लाइफ ट्रस्ट, लाइफ टाइम ट्रस्ट, चूँकि ये बेनिफिट्स हैं, यही ट्रस्ट आपकी विल में भी लिखा जा सकता है, ठीक और आपकी डेथ के ऊपर ये ट्रस्ट भी एक्टिव हो सकता है, अगर आप उसको चाहें कि वो आपकी डेथ के ऊपर एक्टिव हो। इसमें ज़िमनी सवाल एक ये भी था, क्या आप अपने विल के ज़रिए या कोई ट्रस्ट बना के ये पाबंदी भी लगा सकते हैं कि जब तक ये मेरे बच्चे समझदार नहीं हो जाते या इस उम्र को नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक ये जो एसेट्स हैं, असासे हैं या पैसा माल है, इसको ये खर्च नहीं कर सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते? हाँ, यही एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस ट्रस्ट की। अगर लाइफ टाइम में भी बनाएं या आपकी विल के अंदर लिखा हुआ ट्रस्ट, अच्छा फ़र्ज़ करें कोई आदमी है, उसने विल बनाई है, जी और उसमें वो कहता है कि मेरी मेन हाउस, फ़र्ज़ करें, वो बच्चों के लिए मैं ट्रस्ट में छोड़ना चाहता हूँ, जी ठीक है, तो वो ट्रस्ट जो है होगा वो लाइफ एट हिज डेथ, वो ई विल स्टार्ट एट हिज डेथ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द विल ई विल स्टार्ट। अब उसके अंदर उसके बच्चे जो हैं, दे कैन बी अ लाइफ टेनेंट, दे कैन लिव इन दैट हाउस रेंट फ्री, और उसके बाद वो हाउस के बेनिफिशियली ओनर वही होंगे। ठीक ट्रस्ट के अंदर लिखा होगा कि अगर आपकी लेटर विशेज़ हैं उसके मुताबिक लिखा होगा कि जनाब जब ये एज 25 हो जाए तो ये हाउस बेच सकता है, पहला बेटा अगर हो जाए, या 2 बच्चे हैं, जब वो एज उनकी 30 हो जाए उसके बाद बेच सकते हैं, उनको मिल जाए। अगर नहीं भी बेचना तो वो उसको मैं कंटिन्यू टू लिव इन दैट हाउस, अच्छा अगर वो उनके बाद उनकी आगने वाली जनरेशन भी उस हाउस में रह सकती है, वो इज विल बी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट। उसका फ़ायदा ये है, फ़र्ज़ करें अगर बच्चा आपका फ्यूचर में डिवोर्स हो जाती है, अगर वो हाउस उसके नाम पर होता अच्छा तो उसकी वाइफ जो वो लेके जा सकती है हाफ उसमें से, लेकिन ठीक ट्रस्ट के अंदर है तो वो प्रोटेक्टेड है, वो
किसी क्रेडिटर से भी प्रोटेक्टेड है, आपके बेटे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ उसमें बैंकक्रप्ट हो जाता है, अच्छा तो वो भी प्रोटेक्शन उस, क्योंकि हाउस वो ट्रस्ट के अंदर था तो उसकी फुल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल हमने उसका वजाहत के साथ जवाब दिया था, लेकिन किसी एक और खातून ने हमसे पूछा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बीवी मर जाती है या कोई हस्बैंड कोई पार्टनर में से कोई एक दुनिया से चला जाता है, तो वो जो एक पार्टनर के पास हिस्सा आएगा अगर वो दूसरी शादी कर ले मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक, तो बच्चों का हिसाब किताब क्या होगा उसमें? इसका मतलब ये है कि अगर मियाँ और बीवी या दो पार्टनर जो इक्वल शेयर रखते हों उनमें से एक दुनिया से चला जाए तो बच्चों का क्या बनेगा उसमें पीछे? हाँ, उसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर अगर फ़र्ज़ करें एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी मिरर विल बनी हुई है। हाँ, मिरर विल जी, इसकी वजह। हाँ हाँ, अगर उसमें से फ़र्ज़ करें वाइफ फौत हो जाती है तो जो हस्बैंड की विल है वो इनवैलिड नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और वाइफ की विल के मुताबिक जो उसमें एसेट्स हैं, अगर उसने मिरर विल में जनरली हस्बैंड के नाम पर लिखे होते हैं तो हस्बैंड को सारे मिल जाते हैं। अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हस्बैंड दोबारा शादी कर लेता है, ठीक, और फ़र्ज़ करें कि पहली शादी में से दो बच्चे हैं, जी जी, और वो अंडर 18 है, ठीक ठीक है, और अगर दोबारा शादी कर लेता है तो उस नई शादी में से फ़र्ज़ करें एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक ठीक, और उसके बाद अगर उन्होंने अपनी मिरर विल दोबारा बना ली हुई थी ठीक नई बीवी के साथ और हस्बैंड फौत हो जाए, ठीक, तो उस सूरत हाल में हर चीज़ वाइफ को चली जाएगी, नई वाइफ को, ठीक, तो जो पहले शादी के दो बच्चे थे वो हो सकता है कि नई वाइफ उनको डिप्राइव करे, महरूम हो जाए, महरूम हो जाए, ठीक ठीक। उस सिलसिले में ये होना चाहिए कि मिरर विल जब बनाई जाए उसमें ये प्रोविज़न रखी जाए कि जो प्रॉपर्टी है फ़र्ज़ करें मेन हाउस है वो उसको इस तरह बांटा जाए, उसको कहते हैं टेनेंसी इन कॉमन, अच्छा, वो आधा आधा हो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। इस मिसाल में अगर वाइफ फौत हो जाए तो उसका जो 50% हिस्सा था हाउस का वो ऑटोमेटिकली उस उनके उस वाइफ पहली वाइफ के बच्चों के लिए ट्रस्ट के अंदर चला जाएगा, अच्छा, और वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जब अगर दोबारा शादी की या मिरर विल भी बनी है तो नई वाइफ जो आएगी अगर उसके नाम पर उसने मिरर विल बनाई भी है तो बाकी का जो 50% होगा उसमें से 50 लेके जा सकती है, तो गोया 25% उसको मिलेगा। और पहले जो बच्चे के हिस्से में से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बच्चों को जो इस सूरत हाल में बच्चों के जो पहले बच्चे थे उनको 50% पहले ट्रस्ट में जा चुका है पहली वाइफ का, तो उनकी प्रोटेक्शन होगी उसको। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम विल्स एंड ट्रस्ट विद खालिद महमूद, ये जारी रहेगा। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, और वह जो लोग टेलीफोन लाइन पर होल्ड किए हैं उनसे माजरत, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो फिर खालिद महमूद साहब के सामने आपके सवाल भी रखेंगे और आपके टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। तो चलते हैं छोटे से वक्फे की तरफ। विल्स एंड ट्रस्ट विद खालिद महमूद प्रोग्राम में फैज़ान आरिफ फिर से हाजिर खिदमत है। आपके बहुत सारे सवालात हमारे सामने रखे हैं, बल्कि मैं खालिद साहब मुझे कह रहे हैं कि वो सवालात भी साथ साथ करते रहें, और जो लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हैं उनको हम तरजीह देंगे। देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे पहले कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और लकीली मेरी आज कॉल लग गई, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज जी। बहुत सारे लोग होल्ड किए हैं, मुख्तसर सवाल पूछिए खालिद साहब। जी, ये है कि एक हस्बैंड ने डिवोर्स लिया है, डिवोर्स से अपनी वाइफ का पूरा सेटलमेंट कर लिया, ओके, तो प्रॉपर्टी का 60-70% जो भी जाना था उसको देने के बाद फ्री होके उसने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी में जो नई वाइफ है उसका क्या स्टेटस होगा? उसकी बाकी की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो दो बच्चे हैं पहले वो एडल्ट हैं, अलग रहते हैं, और जो नई वाइफ आई है उसका एक बच्चा है जो कि उसके मुल्क में रह गया है, एक दो प्रॉपर्टीज वाइफ की भी है वो उसी मुल्क में है, उसका बच्चा वहाँ रहता है, वो भी एडल्ट है। तो ऐसे में तो उस वाइफ को तो बहुत यहाँ के रूल्स नहीं पता है, लेकिन उसको ये बहुत टेंशन भी है कि बिल लिखी या नहीं लिखी, वो प्रॉपर्टी को पता भी नहीं देते हैं, प्रॉपर्टी मकान के अलावा और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे में उसकी क्या सिक्योरिटी है? बिल्कुल ठीक खाली साहब सवाल। और दूसरे उसके बच्चे को अगर वो देना चाहे, कल उसके नाम में कुछ प्रॉपर्टी होती है तो क्या वो अपने बच्चे को जो बाहर उसके मुल्क में है उसको दे सकती है? मैं इसके लिए टीवी आप बताइए, मैं आती हूँ टीवी पर, सुनना चाहती हूँ इसका आंसर जी। खाली साहब आपके सवाल के जवाब देंगे, सवाल के जवाब इस, थैंक यू। सवाल के में काफ़ी सवाल हैं जी, एक सवाल नहीं है, उसमें मैं मुख्तसर ये जवाब दूंगा कि अगर डिवोर्स हो चुकी है जी
तो सेटलमेंट हो चुकी है, जो पहली वाइफ है उसकी कोई लीगल दोबारा क्लेम नहीं बनता, और जो बच्चे अगर ओवर 18 हैं उनका भी टेक्निकली कोई लीगल राइट नहीं बनता अपने वालद के ऊपर कि वो लाजमी उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर बच्चे अंडर 18 हैं तो वो अगर उनकी वालद की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो फिर उनका राइट बनता है, ठीक इस ठीक केस में वो ओवर 18 है गालबन ठीक पहली ठीक शादी से। दूसरी जब शादी की है तो वो एक वही एक शादी गिनी जाएगी, ठीक तो उनकी जो वाइफ है अगर, तो वो हस्बैंड वाइफ विल अपनी बना लें मिरर विल, तो मिरर विल में हमने पहले डिस्कस किया 2-3 प्रोग्राम में, तो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के जा सकता है हर चीज़, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के जा सकती है, उसके अंदर कोई आपस में टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं है, अच्छा। लेकिन सेकंड डेथ के ऊपर टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा। अब ये क्वेश्चन है कि नई शादी से एक बेटा है या गालबन एक और बच्चा वो इस है, मुल्क में नहीं है। हाँ, उसको उसकी ये है कि अगर उसकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर 18 है, और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती आ जाती हैं कि वो उनको लुक आफ्टर करते हैं रेगुलरली, उनकी स्कूल फीस, उनकी रहने का हर चीज़ खर्चा अगर वालद दे रहा है, वो उनका रियल अपना बेटा है, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली उसकी उनकी उनको राइट है अगर वो अपन उनका वालद उसको अपनी विल में कोई चीज़ नहीं छोड़ के जाता, फ़र्ज़ करें, ठीक तो वो क्लेम कर सकता है यूके में आके, और उसके बिहाफ पर लॉयर उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अगली कॉल की तरफ जाऊं, इसमें एक और सवाल भी छुपा हुआ था कि अगर बच्चे को या पहली बीवी या दूसरी बीवी को नहीं मालूम कि इस शख्स की कितनी जायदाद या कितने असासे हैं, वो कैसे पता कराया जाए। दूसरी बीवी को जो उसको नहीं पता, ज़ाहिर है कि वो अगर लीगल उसकी लीगल मैरिज है तो वो मालूम तो करने का पब्लिक रिकॉर्ड तो नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का जो या शेयर बाकी चीज़ें पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता। ऑब्वियसली जब वो अगर फौत होगा या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ऑब्वियसली जो उसका एग्जेक्टर होगा, अगर उसने विल बनाई हुई है, हाँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पूरे यूके में और वर्ल्ड वाइड एसेट्स को वो कलेक्ट करे, लाइबिलिटीज़ पे करे, टैक्सेस पे करे, उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू विल और इंटेस्टी रूल आइदर वे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो वाइफ को और दूसरे लोगों को वो हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल देखते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम। मेरे जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे खालिद महमूद को साहब। पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ट्रस्ट एंड आल्सो व्हाट योर ट्राइब ट्रस्ट वी मेक विल इट इफेक्ट आवर नर्सिंग होम केयर। अच्छा अच्छा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन, फिर दोहराइए, नर्सिंग होम का क्या कहा आपने। कभी कभी अभी मैं ठीक हूँ, मगर 5 साल के बाद कभी मैं बीमार हो गया हाँ हाँ तो कभी हमको ट्रस्ट नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा, तो ट्रस्ट को ले कोई इफेक्ट होएगी कि नहीं होएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केयर होम के लिए भी ट्रस्ट बनाया जाता लिविंग है। ट्रस्ट लिविंग जी, ट्रस्ट विलिंग जी ट्रस्ट आप उसको लिविंग ट्रस्ट कह सकते हैं जर्नली, या दिस इज डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, और इसमें रिवोकेबल और इरिवोकेबल होता है, उस वो टेक्निकल चीज़ में नहीं जाना चाहते अभी। डिस्क्रेशन ट्रस्ट आप लाइफ टाइम बना सकते हैं, जिसको अच्छा लिविंग ट्रस्ट भी कहते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी मेन हाउस जो है फॉर एग्जांपल वो डाल सकते हैं, सही ठीक है, और उसकी सर्टन कंडीशंस हैं अच्छा कि वो कितनी देर पहले आपने डाला था, उसकी इंटेंशन क्या थी, लोकल जो काउंसल्स हैं जी जी उनके रूल बड़े सख्त हैं, वो अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। अगर वो ये देखा जाए कि सिर्फ केयर होम की फ़ी बचाने के लिए सिर्फ ट्रस्ट बनाया गया था तो वो सर्टन उसके ऊपर क्लेम हो सकता है, तो लिहाजा इनको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए उनकी सर्कमस्टांस को देख कर, और प्रॉपर टाइम पर वो ट्रस्ट बनना चाहिए, वेल बिफोर, लास्ट मिनट पर नहीं, 2 साल पहले बना हुआ तो उसको अनडू कर सकते हैं वो। बिल्कुल ठीक। खालिद महमूद साहब से हमने जो वक्त लिया है कि वो यहाँ आकर ट्रस्ट के बारे में, विल के बारे में या टैक्स प्लानिंग के बारे में आपको मशवरे दें और आपकी रहनुमाई करें, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सही प्रोफेशनल जो एडवाइज़ है वो मिले। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो उल्टी सीधी एडवाइज़ या उल्टी सीधे मशवरे आपको देते हैं, तो बाद अवकात ये होता है कि जब आप किसी मुश्किल मरहले की तरफ जाते हैं या आप इस दुनिया से, आपका कोई अजीज़ इस दुनिया चले जाता है, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से, चाहे वो विल का मामला हो, चाहे वो ट्रस्ट का मामला हो, चाहे वो टैक्स प्लानिंग हो या इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं,
आप उस सिलसिले में बिल्कुल सही मशवरा लेने के लिए किसी अच्छे प्रोफेशनल से, जिसका खालिद महमूद साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि मुख्तसर जवाब दिया करें, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, इस प्रोग्राम में हम लोगों को एजुकेट भी करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये वसीयत क्या है, विल क्या है, ट्रस्ट क्या है। ये न सिर्फ देखने और सुनने वालों के लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत अहम है कि मैं भी एजुकेट होता जा रहा हूँ और मुझे भी इन चीज़ों की अफादियत और अहमियत का पता चलता जा रहा है। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज कम करके फिर बात करें वरना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, फरमाइए कौन और क्या पूछना चाहेंगे। मुझे पूछना था। जी 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 सलाम, मुझे पूछना था कि अगर वाइफ अपने डिपॉजिट से, अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदती है, उसमें हस्बैंड कोई पैसा या कुछ नहीं डालता, तो उसमें आगे जाके फर्ज करे खुदा ना खासा उनकी सेपरेशन हो जाती है, तो उसमें हस्बैंड अपना हिस्सा जताता है या इस तरह, तो इसके लिए वाइफ कुछ कर सकती है जिसके वजह से अपना जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा वो डालती है, उसको प्रोटेक्ट करे। बड़ा अच्छा सवाल है जी खालिद साहब। हाँ, ये ऐसा सवाल है कि सिचुएशन के मुताबिक इसका जवाब दिया जा सकता है। मुख्तसर इसका जवाब यह है कि वाइफ अगर उसने विल बनाई हुई है अपनी, और विल के अंदर वो अगर उसका बेनिफिशरी कोई मुकर्रर है, तो वो बेनिफिशरी को जाएगी, हस्बैंड को ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। अगर सेपरेशन हो जाती है तो ये लीगल मैटर है, कोर्ट बहुत सारे फैक्टर देखती है कि प्रॉपर्टी जब डिपॉजिट था इसको किस तरह एस्टेब्लिश हुआ था, हस्बैंड का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे ऐसे फैक्टर को सामने रखने के बाद बाज़ कोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं करती सेपरेशन में कि इसमें से हस्बैंड को कुछ नहीं मिल सकता। सर्टन मामलात में वो उसमें से हिस्सादार बना भी सकती है, इवन दो डिपॉजिट वाइफ ने दिया हुआ था। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर फ़र्ज कीजिए कि मियाँ बीवी हैं, उनकी मुश्तरका कोई प्रॉपर्टी है, या मियाँ बीवी में से किसी एक के नाम पे प्रॉपर्टी और अलहदगी हो जाती है, तो आधा आधा मिलेगा, ये बात इस तरह दुरुस्त? जनरली आधा आधा मिलता है। अगर वाइफ की कंट्रीब्यूशन बेशक उसमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वाइफ ने वो सारे बाकी जो फैक्टर थे उनको पूरा किया था, तो वो फिर भी आधा आधा मिल जाता है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड के नाम पर सिर्फ प्रॉपर्टी और वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह होता नहीं। इन खातून के मामले में कि अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा उनका हो, यानी उन्होंने डिपॉजिट दिया हो, उन्होंने उसकी मॉर्गेज दी हो, तो उस सूरत में कैसे साबित किया जा सकता है? वो कोर्ट मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस देखती है किस सर्कमस्टांसेस में लिया था। अगर वो, मैंने बताया कि अगर उनका वो प्रूव हो जाए कि वो उनके हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ मैरिटल उनका स्टेटस है सिर्फ, तो हो सकता है उनको कुछ ना मिले। उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है लाइफ टाइम में, तो अगर टैक्सेस का इशू नहीं है, प्रॉपर्टी इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके पर्सनल जो अलाउंसेज हैं लाइफ टाइम उससे कम उसकी वैल्यू है, तो वो प्रॉपर्टी को एक पायलट ट्रस्ट में डाल सकती हैं। अच्छा, अगरचे इट विल बी एंटी अवॉइडेंस होती है, गिफ्ट विद रिजर्वेशन। अच्छा, वो एक अलग इनहेरिटेंस टैक्स रूल है जो आने वाले प्रोग्राम में हम इसको जिक्र करेंगे। तो अगर ट्रस्ट में वो डाल दें तो उसके बेनिफिशियरी मुकर्रर कर दें, तो फिर हस्बैंड गालबन फिर कोर्ट इसको कंसिडर करेगी कि हस्बैंड को कुछ नहीं उसमें मिल सकता, क्योंकि वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ही नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अगली कॉल देखते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगली टेलीफोन लाइन ड्रॉप हो गई है, इससे पहले कि मैं उससे अगली कॉल लूँ, एक सवाल किसी ने उठाया है खालिद साहब, शायद वो पिछले हमारे प्रोग्राम नहीं देख सके। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, कि लाजमी है कि जब आप अपनी विल लिखें तो उसके लिए ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है, और ट्रस्टी ये वो समझ बाद उनका ख्याल है कि ये पेचीदा मसला है। हाँ, ये एक अगेन बहुत अच्छा सवाल है। हर आदमी को ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है, हर विल में ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, डिपेंडिंग आप ट्रस्ट का मकसद समझ जाएं, ट्रस्ट का मकसद यह है कि आप उस प्रॉपर्टी को चाहते हैं कि वो कंट्रोल करें, लाइफ टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। अगरचे ट्रस्ट में डालने के बाद बेनिफिशियरी, जैसे हम जिक्र किया, यंग हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, इन सारी सूरतहाल में लाइफ टाइम में जब प्रॉपर्टी आप ट्रस्ट के अंदर डालते हैं, तो प्रॉपर्टी डालने वाला यानी वालद फर्ज करें अपने बच्चों के लिए डाल रहा है ट्रस्ट के अंदर, तो उसका पूरा कंट्रोल होगा उसकी लाइफ टाइम में। ठीक, बच्चे उसको सेल नहीं कर सकते वालद के परमिशन के बगैर। जो वालद होगा वो ट्रस्टी होगा। ठीक, और वो उसका कंट्रोल होगा, उसकी प्रोटेक्शन भी प्रॉपर्टी की होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट के मामले में आप प्रोफेशनल एडवाइस लें। हाँ, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हर
ویل بنانے والے نے اس کو لازمی طور پر ٹرسٹ سیل کر دیا ہوا ہے, اس کے ٹرسٹ ہو سکتا ضرورت ہی نہیں تھی اس کے حالات دیکھ ہم نے ایسے دیکھا کسی کو اگر زکام ہوا تو اس کو ہارٹ کی دوائی دی ہوئی ہے, تو لہٰذا جن جنہوں نے لوگوں نے ویل کے اندر ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں اگرچہ رول بھی کافی بدل چکے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ اپنی ویل کو ریوائز کریں, وہ اپنے کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ ریویو کرے کہ کیا یہ ٹرسٹ ضروری تھا ابھی کہ نہیں. بالکل ٹھیک, تو ہر کسی کو ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک, اگلی کال دیکھتے ہیں جی. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے بات کریں گے تو آپ کو بھی آسانی رہے گی اور ہمیں بھی سہولت رہے گی. ہیلو, ہاں جی, میرا کوئسچن یہ ہے کہ ٹرسٹ یا ڈیڈ یعنی سری لنکا میں بنا ہوا وہ یہاں پر ویلڈ ہوگی؟ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ سری لنکا میں. سری لنکا میں, ٹھیک ہے. جو ٹرسٹ اگر سری لنکا میں بنا ہوا ہے ٹھیک, تو اس کے اگر آپ بینیفیشری ہیں ٹھیک, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. اگر ٹرسٹ بنایا ہے, فرض کرے ایک آدمی نے, وہ سری لنکا میں رہتا ہے, اس نے فرض کرے اس میں 500,000 کی پراپرٹی ڈالی ہوئی ہے, اور یو کے میں جو رہنے والا ہے اس کا بینیفیشری ہے ٹھیک ٹھیک, اور یو کے میں رہتا ہے, لاسٹ 15 ایئر سے رہ رہا ہے ٹھیک, وہ پراپرٹی جب ٹرسٹی وہاں کے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو وہ پراپرٹی یو کے کے بینیفیشری کو مل جائے گی ٹھیک, تو جب بینیفیشری کو ملے گی تو یہاں وہ پراپرٹی اس کی ملنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ٹھیک ہے. جب وہ پراپرٹی ان کی ہو جائے گی اور ان کے نام پر آ جائے گی تو پھر ان کو آگے اس پراپرٹی پر ویل میں لکھنا چاہیے یا اس کی انہیریٹنس ٹیکس امپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ٹرسٹ کا اوورسیز ہونا یہ کویشچن نہیں ہے, جو اس میں کیا وہ یو کے کا ریزیڈنٹ کیا اس کا بینیفیشری ہے, تو اگر بینیفیشری ہے تو اس کے ٹیکس کانسیکوینسز یہاں ہو سکتے ہیں. ہاں, چونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور اس طرح کے سب کانٹیننٹ کے ممالک سے ہے, اور اکثر اوورسیز پاکستانی جو پہلی یا دوسری جنریشن کے لوگ ہیں انہوں نے ان اپنے اپنے ملکوں کے اندر کوئی جائیداد, کوئی وراثتی جائیداد ان کی موجود ہے, اگر انہوں نے وہاں کوئی ایسا ٹرسٹ بنا رکھا ہے, وصیت لکھی ہوئی ہے, وہی سوال میں دہرانا چاہتا ہوں, کیا اس کی اس ملک میں قانونی حیثیت ہے اور اس کو قبول اور تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ بھی اس میں بھی دو کویشچن ہے. اگر تو ہم دیکھیں کہ سادہ مثال لے لیں, ایک آدمی ہے یو کے میں رہتا ہے کافی عرصے سے, مور دین 15 ایئر, اور وہ اس کو انہیریٹ ہوئی ہے پراپرٹی فرض کریں اپنے والد سے ٹھیک, اور پاکستان میں ہے وہ پراپرٹی, اس کی ویلیو ہے فرض کریں 2,00,000 پاؤنڈ ٹھیک, اور اس میں سے رینٹل انکم آ رہی ہے ٹھیک, پراپرٹی اس کے نام پر ہے. پہلے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا, تو اب چونکہ وہ ڈیم ڈومیسائل ہے, اس کی ورلڈ وائڈ انکم از ٹیکسیبل ان یو کے ٹھیک ٹھیک, تو لہٰذا وہ جو انکم ہے رینٹل وہ اس کو یو کے میں ڈکلیئر کرنا چاہیے. اچھا, جیسے کہ کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بھی آ چکا ہے, 104 کنٹری نے سائن کیا ہے, پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں ٹیکنیکلی ان کو یو کے کی اتھارٹی کو بتانا چاہیے اور بتائیں گی کہ اس کو اتنا رینٹل انکم آ رہی ہے, اور وہ یو کے کی اتھارٹی کو بتائیں گے اس نے ڈکلیئر کی ہے یا نہیں, یو کے کی اتھارٹی اسیس کریں گی کہ وہ کیوں نہیں ڈکلیئر کی, اگر نہیں کی تو اس کے اوپر ٹیکس بھی لگائیں گے, پینلٹی بھی لگے گی, انٹرسٹ بھی ہوگا. یہ تو ہے انکم. اگر وہ آدمی یو کے میں رہتا ہے اور فوت ہو گیا ٹھیک, اور اس کی یو کے میں فرق پراپرٹیز ہیں, اس نے ویل بھی بنائی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی پراپرٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ٹھیک, ایونچولی اگر اس کا جو ایگزیکٹر ہے جو اس نے مقرر کیا ہوا تھا, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے ورلڈ وائڈ ایسٹس کو اکٹھا کرے اور پاکستان کی پراپرٹی کو یہاں ڈکلیئر کرے, اور یہاں 40% ٹیکس لگے گا اس کے اوپر کیونکہ وہ ڈیم ڈومیسائل تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جن لوگوں کی ایسی صورتحال ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک پروفیشنل ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ لیں, ٹیکس اسپیشل سے مشورہ لیں, یا کسی قابل وکیل سے مشورہ لیں اور اپنی ویل اور اوورسیز ایسٹ کو اس سسٹم میں لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. خالد محمود صاحب نے جس تشویش کا اظہار کیا اس پہ ذرا دھیان اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر دیکھنے والے اس پروگرام کے جو ناظرین ہیں ان کے اپنے اپنے ملکوں میں کوئی نہ کوئی اثاثے ضرور موجود ہیں. اب وقت آ گیا, جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے, کہ اب ان کو چھپانا یا ان کو خفیہ رکھنا یا ان کا کہیں کاغذات میں ذکر نہ کرنا ممکن نہیں رہے گا. بہتر اس سے یہی ہے کہ آپ اس کو ڈکلیئر کیجئے, کسی ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ لیجئے تاکہ وہ آپ کے ان اثاثوں کو محفوظ طریقے سے آپ کی اگلی نسلوں کو منتقل کیا جا سکے, اور آپ اس میں جو یعنی ٹیکس ہے جتنا بھی ہوگا وہ تو ظاہر آپ کو دینا پڑے گا, لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے معاملات ترتیب دے لیں گے تو آپ کی آئندہ نسلوں کو اس میں بڑی سہولت رہے گی.
विल एंड ट्रस्ट के मुतालिक अगले प्रोग्राम में और बहुत सारे सवालात लेकर आएंगे। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज हम जिक्र करना चाहते थे वो रह गई हैं, विल्स और ट्रस्ट के बारे में इनसे जुड़ी हुई और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका तذکرہ अगले प्रोग्राम में होगा। उन लोगों से माजरत जिनकी टेलीफोन कॉल नहीं ले सके। मुझे और खालिद महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।